नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार गुड़गांव से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूं। भारत में कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज सोमवार को शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। 1 मार्च से कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाकर लोगों को एक खास संदेश दिया है। देश में वैक्सीन को लेकर कई बयानबाजी हुई, यहां तक कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन लगवाने की चुनौती तक दे दी थी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई वैक्सीन कोवैक्सीन की खुराक ली है। यह वही वैक्सीन है जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। इस वैक्सीन को तीसरे चरण में ट्रायल के दौरान ही इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई थी, जिस पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया था और वैक्सीन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए थे। इस वैक्सीन के साथ साथ वैक्सीन के प्रोग्राम सप्लाई ड्रेवन नहीं रह जाएंगे बल्कि डिमांड ड्रेवन हो जाएगा। आम नागरिकों को केंद्र में रहकर इस प्लान को अंतिम रूप दिया गया है। यह फेज रेलवे की तर्ज पर काम करेगा। जिस तरह से रेलवे टाइम टेबल बनता है, वैसे ही अस्पताल तय करेंगे कि कब और कितने लोगों को वैक्सीन लगानी है। रेलवे में रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन के भी सीट मिलती है। इसी तर्ज पर अस्पतालों में शेड्यूल के अनुसार वैक्सीन लगेगी और वॉक इन की व्यवस्था भी रहेगी, यानी बिना रिजर्वेशन के भी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। आम लोगों के लिए वैक्सीन का दिन तय करने के साथ ही समस्या कोरोना के नए केसों को लेकर भी है। महाराष्ट्र के हालात तो नए खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। राज्य में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नागरिकों के लिए पूर्व भी शांति सख्त नियम लागू कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार के इन कदमों ने 10 महीने पहले की भयावह स्थिति की याद दिला दी है। केरल में मामले बढ़ते देख कर्नाटक ने उससे लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। एक पखवाड़े पहले तक देश में संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम आ गई थी और लगने लगा था कि अब हम महामारी से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब फिर से संक्रमण के नए मामलों में तेजी वृद्धि से लग रहा है कि महामारी कहीं फिर तो नहीं लौट रही है। महाराष्ट्र और केरल के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी संक्रमण के लगातार नए मामले का मिलना बता रहा है कि अगर अब भी नहीं चेते तो देश फिर संकट में फंस सकता है। देश में कोरोना की सबसे ज़्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। हालांकि में भारत पहला कोरोना संक्रमित मरीज पिछले साल फरवरी केरल में मिला था। ऐसे में अब केरल और महाराष्ट्र के हालात को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लंबे समय से देखने में आ रहा है कि महामारी के खतरे को लेकर लोग एकदम बेपरवाह हो गए हैं और मास्क लगाने में व सुरक्षित दूरी जैसे बचाव की जरूरी उपयोग का कहीं पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति देश के सभी राज्यों में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि जब लोगों को मास्क और सुरक्षित दूरी जैसे नियमों का पालन करने के सबसे ज़्यादा जरूरत है, तभी वो घोर लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को फैलने से कैसे रोका जा सकता है? देश के ज़्यादातर राज्यों में तो अब स्कूल, कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी निजी दफ्तर खुल गए हैं और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए भी कवायदे जारी हैं। मुंबई में तो कुछ समय पहले लोकल ट्रेन सेवा भी अब सामान्य हो गई है। जाहिर है हर जगह भीड़ बढ़ रही है और साथ ही खतरा भी। कोरोना के नए स्वरूप के भी कुछ मामले भी भारत में आए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत अब है। राहत की बात यह है कि भारत के पास अब कोरोना का टीका भी है और व्यापक स्तर पर टीकाकरण का काम चल रहा है, लेकिन सभी को टीका मिलने में वक्त लगेगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी हम गंभीर संकट से निकल ही गए हैं और खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में जहां लोगों ने न केवल लॉकडाउन का विरोध किया बल्कि मास्क लगाने तक से परहेज किया, वहां अब महामारी की दूसरी लहर से लोगों की जान खतरे में है। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए बिना जन सहयोग के सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। मैं हमेशा आपको सचेत करता रहता हूं। सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नव समाचार, विभाग खबर, हर समय धन्यवाद।